नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे करंट अफेयर्स फॉर द मंथ ऑफ अगस्त। अगस्त माह की सभी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स को इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना ना भूलिएगा, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। कमेंट में हमें बताइएगा वीडियो आपको कैसी लगी, और अगर आप कोई इम्प्रूवमेंट चाहते हैं तो वो भी कमेंट में जरूर बताइएगा। बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं वर्ल्ड मॉस्किटो डे की, विश्व मच्छर दिवस, जो कि मनाया जाता है 20 अगस्त को। इस दिवस को मनाया जाता है डॉक्टर सर रोनाल्ड रॉस के जन्म दिवस के अवसर पर। अब डॉक्टर सर रोनाल्ड रॉस कौन थे? ये एक ब्रिटिश वैज्ञानिक थे जिन्होंने 1897 में ये पता लगाया था कि ट्रांसमिशन ऑफ मलेरिया इज नॉट स्प्रेड बाय द एयर। जो मलेरिया है वो हवा से नहीं फैलता बल्कि एक मच्छर से फैलता है, ऐसा इन्होंने खोज की थी। अच्छा, इस मच्छर का नाम क्या है? इस मच्छर का नाम है फीमेल एनोफिलीज मॉस्किटो। ठीक है, इस मच्छर से यह बीमारी फैलती है ऐसा इन्होंने पता लगाया था, जिसके लिए इनको 1902 में नोबेल पुरस्कार भी मिला था। यह प्रथम ब्रिटिश नोबेल लॉरिएट भी हुए हैं। ठीक है, प्रथम ब्रिटिश व्यक्ति जिनको नोबेल पुरस्कार मिला है, और 1902 में इनको ये पुरस्कार मिला था। अच्छा, आपको एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट इस क्वेश्चन में बता दूं मैं कि मलेरिया, जो ये मलेरिया शब्द है, ये दो शब्दों की संधि से बना है। मलेरिया में मैल का अर्थ है बुरा और एरिया का अर्थ है रिलेटेड टू एयर, ठीक है, हवा से जुड़ा। तो जो ये मलेरिया बीमारी है, पहले समझा जाता था कि मलेरिया हवा से फैलती है, जबकि डॉक्टर सर रोनाल्ड रॉस ने बताया कि ऐसा नहीं है, ये फैलती है एक मच्छर से। तो मलेरिया जो है मच्छर से फैलने वाली बीमारी है, ना कि हवा से फैलने वाली। तो इसके लिए इनको नोबेल पुरस्कार भी मिला था 1902 में। 20 अगस्त को इनका जन्मदिवस होता है, जिसके उपलक्ष्य में वर्ल्ड मॉस्किटो डे मनाया जाता है। अच्छा, 20 अगस्त को ही एक और दिवस मनाया जाता है, इंडियन अक्षय ऊर्जा दिवस, भारतीय अक्षय ऊर्जा दिवस। भारत में जितने भी नॉन रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्सेज के यूज है उसको कम से कम करने और रीन्यूएबल एनर्जी रिसोर्सेज के यूज को ज्यादा से ज्यादा करने के लिए हम इस दिवस को मनाते हैं। ये सबसे पहले 2004 में मनाया गया था, ठीक है, तब से हम हर वर्ष इस दिवस को मनाते हैं। ठीक है, तो जितने भी पेट्रोल, डीजल और नॉन रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्सेज हैं उन पर अपनी डिपेंडेंसी हम कम से कम करना चाहते हैं। ठीक है, तो इस दिवस को इसलिए मनाया जाता है। आगे चलते हैं, 20 अगस्त को ही एक और दिवस मनाया जाता है जिसका नाम है सद्भावना दिवस। इस दिवस को मनाया जाता है हमारे पूर्व प्रधानमंत्री श्री राजीव गांधी जी के जन्म दिवस के अवसर पर। ठीक है, अब आपको इनके बारे में कुछ पॉइंट्स पता होने चाहिए, जिसमें सबसे पहले कि ये भारत के सबसे युवा प्रधानमंत्री रहे हैं, जो कि 40 वर्ष की आयु में प्रधानमंत्री बन गए थे। ठीक है, 1984 में इनको प्रधानमंत्री का पद मिला था। अच्छा, अब बात करें कि ये सबसे युवा प्रधानमंत्री होने के साथ साथ भारत के सातवें प्रधानमंत्री भी हुए हैं। अच्छा, भारत के सातवें प्रधानमंत्री अगर ये हुए हैं तो बाकी के पहले के छह प्रधानमंत्री कौन थे, एक बार रिवाइज कर लेते हैं। भारत के प्रथम प्रधानमंत्री थे डॉक्टर जवाहरलाल नेहरू, उनके बाद बने गुलजारी लाल नंदा, उनके बाद बने लाल बहादुर शास्त्री जी, उनके बाद भारत की प्रथम पहला महिला प्रधानमंत्री बनी श्रीमती इंदिरा गांधी जी, जो कि हमारी चौथी प्रधानमंत्री हुई। उनके बाद भारत के सबसे वृद्ध ओल्डेस्ट पीएम ऑफ इंडिया आए मोरारजी देसाई, जो कि 81 वर्ष की आयु में भारत के प्रधानमंत्री बने थे। उनके बाद चौधरी चरण सिंह जी प्रधानमंत्री बने और फिर राजीव गांधी जी को ये पद मिला। ठीक है, तो 40 वर्ष की आयु में इन्होंने प्रधानमंत्री पद की शपथ ली थी। इनका 20 अगस्त को जन्मदिवस होता है जिसको सद्भावना दिवस के नाम से हम मनाते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं, बात करते हैं नेशनल स्ट्रेटजी फॉर फाइनेंशियल एजुकेशन, जो कि रिलीज की गई है फॉर द ईयर 2025। 5 साल के इस स्ट्रेटजी को रिलीज किया गया है और यह रिलीज की गई है बाय आरबीआई। ठीक है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने इस स्ट्रेटजी को रिलीज किया है। अच्छा, इस रिपोर्ट की बात करें, इस स्ट्रेटजी की बात करें, तो ये बनाई है NCFE ने। ठीक है, नेशनल सेंटर फॉर फाइनेंशियल एजुकेशन, ये कंपनी है जो कि आरबीआई, सेबी, IRDAI और PFRDA ने मिलकर बनाई है। ठीक है, तो इस कंपनी ने इस स्ट्रेटजी को
प्रिपेयर किया है, ठीक है, रिलीज किया है आरबीआई ने। देखो इंपॉर्टेंट पॉइंट है, प्रिपेयर्ड बाय एनसीएफई बट रिलीज बाय आरबीआई, ठीक है। तो अगर क्वेश्चन में रिलीज आता है तो आपको आरबीआई टिक करना है, वहीं अगर प्रिपेयर्ड लिखा आता है तो आपको एनसीएफ ही टिक करना है, ठीक है। ये ऐसी पहली स्ट्रेटेजी नहीं है, इससे पहले एक और ऐसी स्ट्रेटेजी रिलीज की गई थी 2013 में, ठीक है। तो ये ऐसी दूसरी स्ट्रेटेजी रिलीज की गई है जो कि 2020 से 2025 तक अप्लाई की जाएगी। इसमें जो एम्फेसिस होगा, जो हमारा जोर होगा, वो दिया जाएगा 5C अप्रोच पर। अच्छा, ये 5C क्या है? 5C स्टैंड्स फॉर कंटेंट, कैपेसिटी, कम्युनिटी, कम्युनिकेशन एंड कोलैबोरेशन, ठीक है। ये 5C होंगे जिन पर इस स्ट्रेटेजी में ध्यान दिया जाएगा, और ये अगले 5 सालों के लिए रिलीज की गई है। अच्छा, इन चारों ऑर्गेनाइजेशंस की बात कर लेते हैं, एक बार रिवाइज करते हैं, इनके हेडक्वार्टर्स कहाँ हैं और इनके हेड कौन है। आरबीआई का हेडक्वार्टर है मुंबई में, और इसके हेड हैं जिनको गवर्नर कहा जाता है, वो हैं शक्तिकांत दास, ठीक है। सेबी का हेडक्वार्टर है मुंबई में, और इसके चेयरमैन हैं अजय त्यागी। अच्छा, एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे आप नोट करो कि आरबीआई के हेड को हम गवर्नर कहते हैं, जबकि सेबी के हेड को हम कहते हैं चेयरमैन, ठीक है। तो आरबीआई के अलावा जितनी भी ऑर्गेनाइजेशंस हैं, इनके जो हेड हैं, इनको हम गवर्नर नहीं कहते। गवर्नर की उपाधि सिर्फ और सिर्फ आरबीआई के ही हेड को दी जाती है। आईआरडीएआई की बात करें तो इसका हेडक्वार्टर है हैदराबाद में, और इसके चेयरमैन है सुभाष सी कुंतिया। पीएफआईडीए की बात करें तो इसका हेडक्वार्टर है न्यू दिल्ली में, और इसके चेयरमैन है सुप्रतिम बंदोपाध्याय। आगे चलते हैं, न्यू इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया चुने गए हैं, ठीक है। 1984 बैच के आईएएस राजीव कुमार ने रिप्लेस किया है अशोक लवासा को एज इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया, ठीक है। राजीव कुमार जी बने हैं हमारे भारत के नए इलेक्शन कमिश्नर। अच्छा, और अशोक लवासा जी ने क्या किया है, वो अब ज्वाइन करेंगे ADB, एशियन डेवलपमेंट बैंक, एज अ वाइस प्रेसिडेंट, ठीक है। अच्छा, अब आपको पहले बता दूं मैं कि भारत में ऐसे कुल 3 पद होते हैं, 3 इलेक्शन कमिश्नर चुने जाते हैं, जिसमें से एक चुना जाता है चीफ इलेक्शन कमिश्नर, ठीक है। तो भारत के जो करंट CEC हैं, चीफ इलेक्शन कमिश्नर हैं, वो हैं सुनील अरोड़ा। अच्छा, एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट ये भी बनता है कि भारत के प्रथम CEC कौन थे, फर्स्ट CEC कौन थे, वो थे सुकुमार सेन। अच्छा, किसी भी इलेक्शन कमिश्नर का जो टर्म होती है, पद होता है, वो 6 साल के लिए वैलिड होता है, ठीक है। 6 साल बाद उनको उस पद से इस्तीफा देना पड़ता है, ठीक है, या कहीं रिटायर होना पड़ता है। आगे चलते हैं, बात करते हैं कि इलेक्शंस की बात हमारे संविधान में कहाँ की गई है, वो की गई है पार्ट 15 में, ठीक है। 15th पार्ट में इलेक्शन की बात की गई है, आर्टिकल 324 से आर्टिकल 329 तक, ठीक है। आगे चलते हैं, ADB की बात कर लेते हैं, एशियन डेवलपमेंट बैंक। ये वर्ल्ड बैंक की तर्ज पर ही एक बैंक बनाया गया था एशिया के लिए, ठीक है, जिसका नाम रखा गया एशियन डेवलपमेंट बैंक, जिसकी स्थापना 1966 में की गई। अच्छा, इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? इसका हेडक्वार्टर है मनीला में, जो कि राजधानी है फिलीपींस की। इसके करंट प्रेसिडेंट कौन है? इसके करंट प्रेसिडेंट है मसात्सुगु असाकावा, जो कि जापानीज पर्सन है, ठीक है। और बात करें कि भारत की, तो भारत इसके 31 फाउंडिंग मेंबर्स में से एक है, ठीक है। आगे चलते हैं, अब बात करते हैं स्वच्छ सर्वेक्षण की, जिसकी रिपोर्ट रिलीज कर दी गई है। यह सर्वेक्षण हुआ था 4 जनवरी से 31 जनवरी के बीच, ठीक है, जो कि वर्ल्ड्स लार्जेस्ट क्लीनलीनेस सर्वे है फॉर अर्बन एरियाज, ठीक है। इसकी रिपोर्ट रिलीज कर दी गई है। यह ऐसा 5वां सर्वे है, ठीक है। इससे पहले भी 4 सर्वे हो चुके हैं, जिसमें इंदौर जो है वो सबसे अच्छा शहर जो है बन के सामने आया, ठीक है। सबसे स्वच्छ शहर की बात करें तो इंदौर रैंक्ड फर्स्ट इन द सर्वे, ठीक है। और यह ऐसा लगातार 4थी बार हुआ है, ठीक है, कि इंदौर सबसे साफ शहर बन के आया है इस सर्वे में। और अगर बात करें कि 5 टोटल ऐसे सर्वेज हुए हैं जिसमें से 4 बार इंदौर अगर फर्स्ट रैंक पे आया है, तो फर्स्ट एडिशन जो रहा होगा उसमें रैंक 1 पे कौन रहा होगा, ठीक है। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो वो था मैसूर, ठीक है, मैसूरू जिसको वो बोलते हैं। तो पहले सबसे पहला था, सबसे रैंक 1 पे मैसूरू, और उसके बाद के अगले 4 एडिशंस में इंदौर रैंक फर्स्ट पे रहा। अच्छा, रैंक फर्स्ट की बात करी तो एक बार रैंक लास्ट की भी बात कर लेते हैं। तो बॉटम पे कौन रहा है? पटना, ठीक है। पटना ने सबसे कम स्कोर किया है, और 47 सिटीज में से
बॉटम पोजीशन पटना को मिली है। ठीक है, इस सर्वे की बात करें तो ये सर्वे रिलीज किया जाता है मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स द्वारा। ठीक है, चलते हैं आगे। हरित पथ ऐप, एक ऐप लॉन्च की गई है हरित पथ, जिसका काम होगा मॉनिटर करना प्लांटेशन को अलोंग दी नेशनल हाईवेज। तो जितने भी नेशनल हाईवेज हैं भारत के, उसके आसपास ग्रीनरी कितनी है, ठीक है, उसको ये मॉनिटर करेगी ऐप। देखो क्या होता है, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल का आदेश होता है कि अगर आप कोई हाईवे बनाते हैं, ठीक है, तो उसके आसपास आपको ग्रीनरी भी मेंटेन करनी होती है। तो इस ग्रीनरी को मॉनिटर कौन करेगा, ये ऐप। ठीक है, अच्छा इस ऐप को लॉन्च किसने किया है, इसको लॉन्च किया है NHAI ने, नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने। ठीक है, अच्छा नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया किसके अंडर आती है, इट कम्स अंडर मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज ऑफ इंडिया। अच्छा इस मिनिस्ट्री की बात आई है तो इसके मिनिस्टर की भी बात कर लेते हैं। इसके मिनिस्टर हैं नितिन गडकरी, यूनियन मिनिस्टर नितिन गडकरी, मिनिस्टर ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज। अच्छा आगे बात करते हैं 21 अगस्त की। 21 अगस्त को एक इंटरनेशनल डे मनाया जाता है, विच इज इंटरनेशनल डे फॉर ऑफ रिमेम्बरेंस ऑफ एंड ट्रिब्यूट टू द विक्टिम्स ऑफ टेररिज्म। आतंकवाद के जितने भी विक्टिम्स हैं उनको इस दिवस पे याद किया जाता है। ठीक है, उनको श्रद्धांजलि दी जाती है 21 अगस्त को। ठीक है, विश्व इंटरनेशनल डे ऑफ रिमेम्बरेंस ऑफ एंड ट्रिब्यूट टू द विक्टिम्स ऑफ टेररिज्म मनाया जाता है। 23 अगस्त की बात करते हैं, 23 अगस्त को मनाया जाता है इंटरनेशनल डे ऑफ रिमेम्बरेंस ऑफ द स्लेव ट्रेड एंड इट्स अबॉलिशन। दास प्रथा और दास व्यापार जो था उसको बंद किया गया था, इस बात को याद करने के लिए 23 अगस्त को इंटरनेशनल डे ऑफ रिमेम्बरेंस ऑफ द स्लेव ट्रेड एंड इट्स अबॉलिशन मनाया जाता है। आपको पता होगा अमेरिका में दास प्रथा बहुत ज़्यादा प्रचलन में थी, तो उसको ख़त्म किया गया था, तो उसी को याद करने के लिए और उनको श्रद्धांजलि देने के लिए हम इसको दिवस को मनाते हैं। आगे बात करते हैं 26 अगस्त की। 26 अगस्त को मनाया जाता है वुमेन्स इक्वालिटी डे। ठीक है, द ड्रैगन फ्लाई फेस्टिवल, देखो द ड्रैगन फ्लाई फेस्टिवल मनाया जाना है भारत में, अभी ऐसा मंजूरी मिल चुकी है, जो कि मनाया जाना है केरला में, जिसका नाम रखा गया है थंबी महोत्सवम। ठीक है, इट इज द फर्स्ट एवर ड्रैगन फ्लाई फेस्टिवल इन केरला, केरला में मनाया जाना है ये। ठीक है, और ये केरला का पहला ड्रैगन फ्लाई फेस्टिवल है। अच्छा अब इस फेस्टिवल की बात करें तो आपको पता होना चाहिए इसका मैस्कट कौन है, इसका मैस्कट है पंथलू। ठीक है, पंथलू ड्रैगन फ्लाई को ही कहते हैं मलयालम में। ठीक है, और ये ऑर्गेनाइज किया जा रहा है बाय WWF। ठीक है, WWF एंड सम अदर्स ऑर्गेनाइजेशंस। ठीक है, WWF की बात कर लेते हैं तो WWF स्टैंड्स फॉर वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड, जिसकी स्थापना की गई थी 1961 में और इसका हेडक्वार्टर है ग्लैन स्विट्जरलैंड में। देखो जो ये WWF है, इसकी स्थापना की गई थी इस बात को ध्यान में रखते हुए कि जो जानवर हैं, जितने भी पक्षी हैं, पशु हैं, उनका इम्पोर्टेंस इस पूरे विश्व में कितना है। ठीक है, तो उनको प्रिजर्व करने के लिए और उनकी तरफ ध्यान देने के लिए इस फंड को बनाया गया था। ठीक है, अब एक्चुअली ये फंड सिर्फ नाम से है, एक्चुअली ये ऑर्गेनाइजेशन है, नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन, जो कि विश्व स्तर पर काम करती है। ठीक है, जिसको 1961 में बनाया गया था और हेडक्वार्टर है इसका ग्लैंड स्विट्जरलैंड में। ठीक है, आगे चलते हैं, बात करते हैं वर्ल्ड सोलर टेक्नोलॉजी समिट की। ठीक है, विश्व सौर तकनीकी समिट, ये ऐसा एक फर्स्ट समिट मनाया जा रहा है। ठीक है, जो कि ऑर्गेनाइज किया जा रहा है ISA द्वारा। ठीक है, ISA स्टैंड्स फॉर इंटरनेशनल सोलर अलायंस। ठीक है, 8 सितंबर 2020 को प्रधानमंत्री मोदी जी इनॉग्रेशन स्पीच डिलीवर करेंगे, जिससे इस समिट का उद्घाटन होगा और यह एक वर्चुअल प्लेटफॉर्म पर की जाएगी। ठीक है, समिट अब कोविड के चलते कोई भी समिट्स फिजिकली तो हो नहीं रही, सब वर्चुअली प्लेटफॉर्म पर ही की जा रही हैं, तो ये भी एक ऐसे ही रिलीज की जाएगी। अच्छा इंपॉर्टेंट पॉइंट इसमें यह है कि इंटरनेशनल सोलर अलायंस क्या है, आपको पता होना चाहिए। इंटरनेशनल सोलर अलायंस प्रधानमंत्री मोदी जी ने लॉन्च किया था 21वें सेशन में, यूएन के 21वें सेशन में प्रधानमंत्री मोदी जी ने और फॉर्मर फ्रेंच प्रेसिडेंट फ्रांकोइस होलांदे ने मिलकर इस
अलायंस को बनाया था, ठीक है, लॉन्च किया था एक्चुअली, अगर सही शब्दों में कहा जाए तो लॉन्च किया था। ठीक है, आगे चलते हैं, बात करते हैं ट्राई फूड प्रोजेक्ट की। देखो इन दोनों ट्राई फूड प्रोजेक्ट न्यूज में है, और ट्राई फूड प्रोजेक्ट को लेकर एक और नाम जुड़ा हुआ है विच इज ट्राई फेड, जिसको लेकर स्टूडेंट्स काफी कंफ्यूज हो रहे हैं। तो देखो मैं आपको बता दूं, ट्राई फूड जो नाम है वो एक प्रोजेक्ट का नाम है, वहीं ट्राई फेड जो नाम है वो इस कोऑपरेटिव जो मार्केटिंग डेवलपमेंट फेडरेशन है इसका नाम है, इस फेडरेशन का नाम ट्राई फेड है, और इसने जो प्रोजेक्ट लॉन्च किया है उसका नाम है ट्राई फूड। ट्राई फेड स्टैंड्स फॉर द ट्राइबल कोऑपरेटिव मार्केटिंग डेवलपमेंट फेडरेशन ऑफ इंडिया, जिसकी स्थापना की गई थी 1987 में। इसकी स्थापना करने का जो उद्देश्य था वो ये था कि ट्राइबल एरियाज जितने भी हैं उनके जो मार्केट्स हैं उनको बढ़ावा दिया जाए। ठीक है, जैसे आपने दिल्ली में देखा होगा दिल्ली हाट है, 3-4 दिल्ली हाट है दिल्ली में, तो उनको वहाँ पे आप देखोगे तो ट्राइबल जितने भी सामान होते हैं वो बिकते हैं वहाँ पे। ठीक है, तो इसी तरीके से प्रोत्साहन देने के लिए ये एक फेडरेशन बनाई गई थी, ठीक है, जो कि अब ट्राई फूड प्रोजेक्ट लॉन्च करेंगी। ठीक है, इसको लॉन्च किसने किया है, इसको लॉन्च किया है मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स ने, ठीक है, जिसके यूनियन मिनिस्टर हैं अर्जुन मुंडा। यूनियन ट्राइबल मिनिस्टर्स, ट्राइबल अफेयर्स मिनिस्टर इज अर्जुन मुंडा। अच्छा, इस प्रोजेक्ट की बात करें तो एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये भी बनता है कि ट्राइफेड के चेयरमैन कौन है, इसके चेयरमैन है रमेश चंद मीना। आगे चलते हैं, बात करते हैं द अब्राहम अकॉर्ड की। देखो द अब्राहम अकॉर्ड क्या है, द अब्राहम अकॉर्ड है इसराइल और यूएई के बीच में एक पीस एग्रीमेंट। आपको पता होगा रिसेंटली यूएई और इसराइल ने एक पीस एग्रीमेंट साइन किया है, ठीक है, जिसके अकॉर्डिंग वो बिजनेस भी करेंगे आपस में और उनके डिप्लोमेटिक रिलेशंस भी स्थापित किए जाएंगे। अच्छा, अब्राहम अकॉर्ड इसको क्यों कहा गया है, इसको अब्राहम अकॉर्ड कहा गया इन द ऑनर ऑफ अब्राहम। अब्राहम कौन थे, पैट्रियार्क थे 3 मेजर अब्राहमिक रिलीजन्स के, इनके नाम है जुडाइज्म, इस्लाम एंड क्रिश्चियनिटी। ठीक है, अच्छा आपको मैं बता दूं ये अकॉर्ड इम्पॉर्टेंट क्यों है, ये इम्पॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि इसराइल की अगर आप इतिहास पता हो तो इसराइल को उसके आसपास की जितने भी मुस्लिम कंट्रीज हैं उन्होंने मान्यता नहीं दी हुई है, वो उसको एज अ कंट्री एक्सेप्ट नहीं करते। तो ऐसे में अगर यूएई जो कि खुद भी एक मुस्लिम कंट्री है इसके साथ कोई पीस एग्रीमेंट करती है और व्यापार स्थापित करती है, डिप्लोमेटिक रिलेशन स्थापित करती है, तो इसका अर्थ होता है कि भाई यूएई उसको एज अ कंट्री एक्सेप्ट कर रही है, और एज अ कंट्री एक्सेप्ट कर रही है अगर कोई एक देश, कोई एक मुस्लिम देश, तो बाकी मुस्लिम देश उसके विरुद्ध हो जाते हैं। ठीक है, यही हुआ था इजिप्ट के साथ, जिसने 1979 में इसराइल के साथ पीस ट्रीटी की थी, जॉर्डन के साथ भी यही हुआ था जिसने 1994 में पीस ट्रीटी की थी, और अब यूएई। तो यूएई से जो बाकी मुस्लिम कंट्रीज हैं वो अब नाराज हैं। अच्छा, ये इम्पॉर्टेंट इसलिए भी हो जाता है क्योंकि ये एक ऐतिहासिक ट्रीटी है और इसके आसार भी बहुत ज़्यादा हैं कि आगे चलकर इसी के आधार पर इसराइल को या यूएई को या शायद दोनों को एक नोबेल पुरस्कार भी दिया जाए, ठीक है, पीस नोबेल पुरस्कार। तो इसीलिए ये इम्पॉर्टेंट है, इसको आप नोट कीजिए। आगे बात करते हैं ट्राइलेटरल सप्लाई चेन नेटवर्क की। एक त्रिपक्षीय सप्लाई चेन नेटवर्क बनाया जा रहा है बाय इंडिया, ऑस्ट्रेलिया एंड जापान, ठीक है, इन तीनों ने इस सप्लाई चेन नेटवर्क को बनाया है और इसको बनाया गया है टू काउंटर डिपेंडेंसी फॉर सप्लाई ऑन चाइना। अभी देखो अभी मौजूदा हालात क्या हैं कि हमको जितने भी सस्ते टेक्नोलॉजिकल इक्विपमेंट चाहिए होते हैं वो चाइना से आते हैं, ठीक है, और भी बहुत सारे सामान है जो चाइना से ही हम लेते हैं, चाहे वो इंडिया हो, ऑस्ट्रेलिया हो, जापान हो, बाकी और भी कंट्रीज, तो हमारी जो डिपेंडेंसी है चाइना पे वो बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। ठीक है, और अब जब ये COVID-19 आया है तो अब हमें समझ आया है कि चाइना पे अगर हम सिर्फ एक कंट्री पे डिपेंड रहेंगे तो बहुत ज़्यादा व्यापार के लिए वो अच्छा नहीं है। अच्छा, अब एक और चीज़ इसमें पॉइंट है कि क्या सिर्फ COVID-19 की वजह से इस नेटवर्क को बनाया जा रहा है, नहीं, चाइना के व्यवहार की वजह से भी इस नेटवर्क को बनाया जा रहा है। आपको पता होगा चाइना के भारत से भी रिलेशंस खराब हो रहे हैं, डिप्लोमेटिक भारत की सीमा में घुसने की कोशिश कर रहा है चाइना, और जापान के भी कुछ टापुओं पर चाइना कब्जा करना चाह रहा है, तो इसलिए चाइना के जो रिलेशंस हैं इंडिया और जापान इन दोनों से ही खराब चल रहे हैं, वहीं ऑस्ट्रेलिया भी इसमें हमारे साथ आ रहा है, तो जो डिपेंडेंसी है
इसका मेन ऑब्जेक्टिव होगा इस डिपेंडेंसी को कम करना और हो सके तो खत्म करना, ठीक है। इसकी जो इनिशिएट किया है वो जापान ने किया है, तो जो भारत और ऑस्ट्रेलिया है इन्होंने जापान के इस इनिशिएटिव का साथ दिया, ठीक है। अच्छा, अब इंडिया, ऑस्ट्रेलिया और जापान की बात आई है, तो इन तीनों की बात कर लेते हैं कि इनकी कैपिटल क्या है, करेंसी क्या है और इनके करंट पीएम कौन है। भारत की बात करें तो भारत की कैपिटल है न्यू दिल्ली, इसकी करेंसी है इंडियन रुपी, जिसका कोड कहें तो वो होता है INR, और पीएम है श्री नरेंद्र मोदी। जापान की कैपिटल है टोक्यो, करेंसी है येन, जिसका कोड होता है JPY, और इसके पीएम है शिंजो आबे। ऑस्ट्रेलिया की बात करें, ऑस्ट्रेलिया की कैपिटल है कैनबरा, जिसकी करेंसी है ऑस्ट्रेलियन डॉलर, विच इज जिसका कोड है AUD, और इसके प्रधानमंत्री हैं स्कॉट मॉरिसन। अब बात करते हैं टर्की की। टर्की ने एक बहुत बड़ा प्राकृतिक गैस स्रोत डिस्कवर किया है, खोज की है, ठीक है। इस गैस स्रोत की जो को जो साइज है वो है 320 मिलियन बिलियन क्यूबिक मीटर, ठीक है। 320 बिलियन क्यूबिक मीटर एक बहुत बड़ा रिजर्व होता है, जो कि इनको मिला है ब्लैक सी में, ठीक है। ब्लैक सी, अच्छा आपको अगर ब्लैक सी का डिस्कशन आया है तो मैं बता दूं कि ब्लैक सी के आसपास की कंट्रीज क्वेश्चन में पूछी जाती हैं, तो आप मैप में एक बार देखिएगा ब्लैक सी के आसपास कौन सी कंट्रीज हैं, ठीक है। तो तुर्की को ये एक रिजर्व मिला है जो कि है 320 बिलियन क्यूबिक मीटर। पूरा विश्व इस पे नजर रखे हुए हैं, ठीक है। तुर्की को बधाइयां दी जा रही हैं ऐसा रिजर्व मिलने के ऊपर। और अब बात करें अगर, अच्छा इस रिजर्व की बात करें तो ये ऐसा रिजर्व कोई मतलब बहुत बड़ी डिस्कवरी तो जरूर है, लेकिन ऐसी कोई डिस्कवरी नहीं है जो कि विश्व में सिर्फ तुर्की को मिली हो। आपको पता होना चाहिए विश्व में सबसे बड़ा जो गैस का रिजर्व है वो है रशिया के पास, ठीक है। और भारत की बात करें तो भारत के पास भी ऐसा ही एक बहुत बड़ा गैस रिजर्व है, जिसकी क्षमता है 1339 बिलियन क्यूबिक मीटर, ठीक है। तो लगभग 4 गुना बड़ा ऐसा एक रिजर्व भारत के पास ऑलरेडी है, ठीक है। तो तुर्की को इससे फायदा तो जरूर होगा, बट ऐसा कोई फायदा भी नहीं होगा कि तुर्की रातों रात अमीर हो जाएगा, जैसा कि अरब कंट्रीज के केस में हुआ है जब उन्हें मिला था ऑयल, ठीक है। अच्छा, तुर्की की बात करें तो तुर्की की कैपिटल है अंकारा, तुर्की के प्रेसिडेंट है रेसेप तैयब अर्दोगन, ठीक है, और इसकी करेंसी है तुर्किश लीरा, ठीक है। अच्छा, तुर्की की बात करें तो तुर्की अभी इन दिनों न्यूज में एक और न्यूज को लेकर भी है, वो है हेगिया सोफिया, ठीक है। हेगिया सोफिया एक चर्च थी जो 532 में बनाई गई थी, और इस चर्च को पहले तो इन्होंने म्यूजियम बनाया, फिर उस म्यूजियम को मस्जिद में बदल दिया गया, ठीक है। तो इसलिए सारे विश्व की नजर इन दिनों तुर्की पर है कि तुर्की अब और आगे क्या क्या करने वाला है, क्योंकि तुर्की के जो अगर हम देखा जाए तो जो पॉलिटिकल डिस्कशंस हैं, पॉलिटिकल डिसीजंस हैं, वो सारे कुछ ऐसे हैं जो कि मुस्लिम वर्ल्ड को खुश करने के लिए किए जा रहे हैं, ठीक है। तो हेगिया सोफिया का जो उसका डिसीजन था उसको मस्जिद बनाने का, वो भी इसीलिए लिया गया था। हेगिया सोफिया एक यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है, ठीक है। तो आज की वीडियो में फ्रेंड्स इतना ही, आगे मिलेंगे आपसे आगे की वीडियोस में, तब तक के लिए थैंक यू। चैनल को लाइक ज़रूर करें वीडियो को, और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, बेल आइकन ज़रूर दबाएं ताकि आपको हमारी आगे आने वाली सभी वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। थैंक यू।